PID. ये PID है, ये कि इंटीग्रल डोमेन भी है और इसके अंदर हर आइडियल जो है वो प्रिंसिपल आइडियल होगा, ठीक है। तो इसका मैं प्रूफ करता हूँ, प्रूफ। अच्छा, जो पहली बात है वो मैं लिख रहा हूं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वी नो दैट अगर इसको पीआईडी प्रूफ करना है तो दो बातें प्रूफ करनी है हमने। पहली बात कि ये इंटीग्रल डोमेन हो, और दूसरी बात ये कि इसका हर आइडियल जो है वो प्रिंसिपल आइडियल हो, तब ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बनेगी। तो जो पहली बात है कि ये इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। ये आपको मैं एज ए एक्सरसाइज यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको आपने खुद प्रूव करना कि ये इंटीग्रल डोमेन है। मैं जस्ट जो मैं कौन सा पार्ट प्रूव करूंगा कि ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, ठीक है। वी नो दैट के ऑफ एक्स इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो अगर आपने इसको पहले किया हुआ है तो वो एज इट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, और अगर नहीं किया हुआ तो यहाँ पे दोबारा से उसको इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करेंगे। जी ये लाइन समझ आई है क्या लिखा है मैंने? जी सर, हाँ जी, क्या कहना चाहे मैंने इस लाइन के अंदर? ये कमोटेटिव रिंग विद यूनिटी है जिसके अंदर कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं एग्जिस्ट करता। हाँ, तो ये चीज क्या करनी है, या आपने खुद प्रूफ करना है इसको, प्रूव करनी है सर। ठीक है। जी सर, और अगर कोई इश्यू आए तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ले जी, अब दूसरा पार्ट रह गया कि इसका हर आइडियल जो है वो एक प्रिंसिपल आइडियल है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसका ऑर्बिट्रेरी आइडियल ले लेता हूँ, और अगर मैं ऑर्बिट्रेरी आइडियल को प्रूव कर दूं कि वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है, तो इसका मतलब इसका हर आइडियल जो है वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है, ठीक है। तो जी सर, लेट आई बी एनी आइडियल ऑफ एनी आइडियल ऑफ के ऑफ एक्स। यदि मैंने एक ऑर्बिटरी आइडियल जो है क्यू ऑफ एक्स का चूज कर लिया, ये केस वन क्या है? जिसमें केस वन ये है कि ये जो मैंने आइडियल चूज किया है, हो सकता है ये जीरो आइडियल हो, ठीक है। यानी कि दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर ऑर्बिटरी आइडियल कोई भी चूज करेंगे तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो जीरो आइडियल होगा या नॉन जीरो आइडियल होगा। तो मैं ये दोनों ही केसेस प्रूव करूंगा कि इन दोनों केसेस में ये प्रिंसिपल आइडियल बनेगा, ठीक है। इफ I is a zero ideal, that is, ये जीरो आइडियल का मतलब ये है कि I जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, और वो कौन सा एलिमेंट हो, वो जीरो एलिमेंट हो। ठीक जी सर, देन, और इस केस में आई को हम लिख सकते हैं आई जनरेटेड बाय जीरो, जी सर, क्योंकि आपको जीरो के मल्टीपल्स बनाते जाएंगे रिंग के अंदर। जीरो को रिंग के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही एलिमेंट बनेगा। जी सर, तो जीरो से जनरेट होने वाला सेट जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, अगर वो जीरो एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जी कि जो जीरो एलिमेंट वाला सेट है उसको जीरो से जनरेट किया जा सकता है। जी यानी सर, कि आई समझ आ रही बात की या नहीं आई? अच्छा, जी सर, आ रही है समझ। तो इसका मतलब ये हुआ इस केस में आई जो है वो एक प्रिंसिपल आइडियल है बाय जी सर, डेफिनेशन, एक जीरो वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट किया जा सकता है।
तो केस वन जो है जब आई जीरो आइडियल होगा तो हमने शो कर दिया कि आई जो है वो तब उस केस में प्रिंसिपल होगा, और केस टू जो हमारा नॉन ट्रिवियल केस है, केस टू के इफ इफ आई इज नॉट इक्वल टू दी जीरो आइडियल। हाँ जी, अगर आई जीरो आइडियल नहीं होगा तो फिर इस बात का क्या मतलब है? क्यों जी? जी सर, इसमें फिर जीरो के अलावा भी कोई एलिमेंट्स होंगे? जी इसका मतलब कि इसके अंदर कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट जरूर होगा। सर, ये नॉन जीरो आइडियल है तो इस बात का मतलब ये है कि इसमें कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट जरूर होगा, ठीक है? जी सर, तो अगर एक है तो एक एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जी सर, अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम उन नॉन जीरो एलिमेंट्स में से, क्योंकि पॉलिनोमियल है ना इसके अंदर सारे के सारे जो जो भी एलिमेंट्स होंगे इसके, जी सर, तो हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स को हम जो है पॉलिनोमियल्स के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम एसोसिएट करते हैं, वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जी सर, क्योंकि कोई भी हर नॉन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जरूर होती है, तो इसके जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे वो सारी की सारी पॉलिनोमियल्स होंगी। अगर वो सारी की सारी पॉलिनोमियल्स हैं तो हम उनमें से जो स्मॉलेस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल है वो चूज कर सकते हैं। समझ रही बात की या नहीं है? जी सर, आगे आई अगर नॉट नॉट इक्वल नॉट नॉट जो है नॉन जीरो आइडियल है तो इसका मतलब उसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, कम से कम एक जी तो नॉन सर, जीरो एलिमेंट जरूर होगा। वो जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो असल में पॉलिनोमियल्स हैं, और पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, हर हर पॉलिनोमियल की कोई ना कोई डिग्री होगी। तो उन नॉन जीरो एलिमेंट्स में से हम कौन सा एलिमेंट चूज करेंगे, कौन सी पॉलिनोमियल चूज करेंगे, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री सबसे छोटी हो। सर डिग्री नॉन जीरो हो। मैंने अभी बात बोली, जो भी नॉन जीरो पॉलिनोमियल है अगर, तो हर नॉन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जरूर होती है, ठीक है? जी वो सर, डिग्री जीरो भी हो सकती है, डिग्री वन भी हो सकती है, डिग्री टू भी हो सकती है, हो सकता है उसके अंदर डिग्री टू के एलिमेंट्स हो, डिग्री थ्री के हो, डिग्री फोर के हो, डिग्री फाइव के हो, एंड सो ऑन। लेकिन स्मॉलेस्ट डिग्री की कौन सा होगा एलिमेंट, वन सर, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता भाई। हो सकता है वन जी वाला सर, हो सकता है टू वाले जी हो सकता है सर, स्मॉलेस्ट डिग्री जीरो वाले हो सकता है स्मॉलेस्ट डिग्री वन वाले हो सकता है स्मॉलेस्ट डिग्री टू वाले। जो भी स्मॉलेस्ट डिग्री वाला होगा उनमें से एक एलिमेंट चूज कर लेंगे। ठीक है या नहीं? ठीक जी सर, ठीक। है, तो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो आइडियल देन देन चूज आई विद स्मॉलेस्ट डिग्री। कि अगर आई नॉट इक्वल टू जीरो है तो फिर हम उसमें से एक आई चूज आई में से एक एलिमेंट चूज कर सकते हैं, लेट्स वो एफ है, और वो कैसा एलिमेंट होगा, विद स्मॉलेस्ट डिग्री होगा, ठीक है? तो अब याद रखिएगा, याद क्या रखना है कि एफ से छोटी डिग्री का कोई भी एलिमेंट आई के अंदर नहीं है, जी सर, क्योंकि हमारी जो चॉइस है वो चॉइस हमने कैसे की है कि जो स्मॉलेस्ट डिग्री का एलिमेंट जो है आई के अंदर नॉन जीरो वो हमने चूज किया।
जी क्लियर है बात? जी सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा वी क्लेम, मैं क्लेम ये करने लगा हूं, वी क्लेम कि ये जो हमने ऑर्बिट्रेरी आइडिया लिया है ये बेसिकली इस एफ से जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो जी अगर सर, ये मैं प्रूफ कर दूं तो इस बात का मतलब क्या होगा कि आई जो है आई जो वो, है सर वो प्रिंसिपल। और आई क्योंकि ऑर्बिट्रेरी लिया तो इसका मतलब उसका हर आइडियल जो है वो प्रिंसिपल आइडियल। जी सर, अगर के ऑफ एक्स का हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है और ये इंटीग्रल डोमेन भी है तो फिर हम इसे कहेंगे ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। जी सर, ठीक है, जी सर, इस इक्वेलिटी को प्रूफ करने के लिए लेट से टेक, मैं एक जी एलिमेंट ले लेता हूं दिस सेट जनरेटेड बाय एफ में से, एक ऑर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज कर लिया मैंने जी, जी सर, और अगर मैंने जी इस आइडियल में से चूज किया है जनरेट जो कि एफ से जनरेट हो रहा है तो देन जो जी है इसकी फॉर्म कैसी होगी? जी कैन बी रिटन एज एफ आर, जी सर, एफ इन टू आर कितना जा सकता है फॉर सम आर इन के ऑफ एक्स। एफएक्स। हमने ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना कि जो भी अगर एफ जी से सर, जनरेट होगा तो इसका मतलब ये एफ का मल्टीपल होगा विद सम एलिमेंट ऑफ द रिंग, और रिंग हमारे पास इस यहाँ पे है के ऑफ एक्स। जी सर, ठीक है क्या? नहीं ठीक है सर। अच्छा, सिंस एफ जो है वो कहां से, वो आई का एलिमेंट है, ये भी हमने चूज किया ना आई में से स्मॉलेस्ट जी एलिमेंट सर, डिग्री का जो एलिमेंट है वो एफ है। जी सर, एफ कहां से ले रहे हैं हम? आई से। आई में है, अगर एफ आई में है तो आई क्या चीज है ये बताएं हमें। आई क्या यहां पे? सर आई एक आइडियल है सर के एफ एक्स का। आई जो है वो एक आइडियल है कि एक्स का, तो आइडियल की डेफिनेशन अगर आप याद हो तो उसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि आई के एलिमेंट को रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो आई का आई एलिमेंट का है। एलिमेंट। तो जी अगर सर, एफ इन आई है तो देन एफ इन टू आर जो है वो भी आई एलिमेंट बनेगा, जी सर, क्योंकि आर रिंग का एलिमेंट है और रिंग का एलिमेंट को आई के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय डेफिनेशन ऑफ द आइडियल जो प्रोडक्ट है उसकी वो आई का एलिमेंट बनेगी। जी सर, ठीक है, और ये क्या इंप्लाइज करेगा एफ आर किसके बराबर है? जी के सर, तो जी भी आई का एलिमेंट बन गया। इसका मतलब जी जो है वो भी किसके अंदर है? आई के अंदर है। आई के। तो जी हम, लेकिन जी हमने लिया क्या था, वो तो आइडियल जनरेटेड बाय एफ का एक ऑर्बिटरेरी एलिमेंट लिया था। जी सर, इसका मतलब जो आइडियल है जो कि एफ से जनरेट हो रहा है उसका हर एलिमेंट जो है वो आई के आइडियल आई के अंदर मौजूद है। जी सर, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उस आइडियल जनरेटेड बाय एफ है वो सबसेट है आई का, जी सर, यही मतलब हुआ ना इसका। तो जी सर, एक साइड मैंने प्रूफ कर दी कि आइडियल जनरेटेड बाय एफ जो है वो आई का सबसेट है। जी सर, अब दूसरी कौन सी साइड प्रूफ करना रहेगी हमारे पास? सर अब हम अगर कर दें आई जो है वो आइडियल जनरेटेड बाय एफ का सबसेट है। अब अगर हम प्रूव कर दें कि आई जो है वो आइडियल जनरेटेड बाय एफ का सबसेट है तो इन दोनों इक्वेशंस को मिलाते हुए हम कह सकते हैं
इक्वलिटी आ सकती है सर। इक्वालिटी आ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या प्रूफ करें? आई के कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके उसको कंटेन कर दें ऐसे। नाउ टेक सम एच इन आई, लेकिन मैं आई का कोई ऑर्बिट्रेरी एलिमेंट लेता हूँ जी एच, सर, ठीक है। जी सर, अगर मैं आई के एलिमेंट लूँ एच, तो अब तक हमारे पास अब दो पॉलिनोमियल होंगी। इसको कंसीडर करें, एक एफ आई के अंदर हमें पता है और एक एच आई के अंदर हमें पता है, जी सर, और हमें ये भी पता है कि एफ जो है वो जीरो पॉलिनोमियल नहीं है, वो एक नॉन जीरो एलिमेंट है, जी सर, ठीक है। तो हम इस पर डिवीजन एल्गोरिदम लगा सकते हैं, यानी कि डिवीजन एल्गोरिदम पता क्या होता है आपको? जी सर, हाँ जी, क्या होता है डिवीजन एल्गोरिदम? तो दो नंबर अगर एक दूसरे को डिवाइड करते तो उन्हें एक दूसरे का स्केलर, एक एलिमेंट को ना दूसरे के स्केलर तुम ना ना, प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। अगर ये हमने डिवीजन एल्गोरिदम लिखना है पॉलिनोमियल्स का, दो पॉलिनोमियल्स पे डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई लिखा जा सकता है अगर दोनों में से एक नॉन जीरो, ठीक जी है। सर, और वो जी सर, डिवीजन एल्गोरिदम क्या है वो मैं यहाँ पे प्रूफ के अंदर ही लिख रहा हूँ। देन मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, स्टेटमेंट आप जाके देख सकते हैं नेट से। देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम, हाँ जी, क्या बनेगा? एफ इज इक्वल टू पी एच क्यू एच प्लस आर, जी सर, ठीक है। क्या कोई भी अगर दो पॉलिनोमियल्स हैं और एफ अगर सॉरी ये आएगी एच इज इक्वल टू एफ क्यू प्लस आर, टू एफ प्लस आर, क्योंकि एफ नॉन जीरो है ना, तो एफ से हम डिवाइड करेंगे एच को। तो हमारे जी पास सर, दो पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करेंगी क्यू ए और आर, या हम एच को इस फॉर्म में लिख सकते होंगे एच इज इक्वल टू क्यू एफ प्लस आर। डिवीजन एल्गोरिथम की प्रॉपर डेफिनेशन आप देख सकते हैं, विद द कंडीशन दैट आइदर आर इज इक्वल टू जीरो और डिग्री ऑफ आर इज लेस देन एंड डिग्री ऑफ डिवाइजर एफ, ठीक है। तो ये डिवीजन जी सर, एल्गोरिदम की जो है स्टेटमेंट हमें ये इंफॉर्मेशन देती है कि जब भी दो पॉलिनोमियल्स हों उनमें से एक नॉन जीरो हो, तो नॉन जीरो पॉलिनोमियल से हम दूसरी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं, और जब डिवाइड करेंगे तो हमेशा हम इस तरह की फॉर्म बना सकते हैं एच इज इक्वल टू क्यू एफ प्लस आर। और ये जो आर है जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं, ये आर यहाँ तो जीरो होगा पॉलिनोमियल, या एक जीरो पॉलिनोमियल होगी, या ऐसी पॉलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री जो है वो डिग्री ऑफ एफ से छोटी हो। जी सर, समझ आ गई है बात की? जी सर, अच्छा, अब हमने दोनों में से चूज करना है कि या आर जीरो है या डिग्री ऑफ आर लेस देन डिग्री ऑफ एफ है, ठीक है। तो मैं प्रूफ नेक्स्ट प्रूफ करूंगा कि डिग्री ऑफ आर जो है वो लेस देन डिग्री ऑफ एफ नहीं हो सकती। जी सर, तो अगर डिग्री ऑफ आर लेस देन डिग्री ऑफ एफ नहीं होगी, तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी कि आर इक्वल टू जीरो होगा, जी सर, ठीक है। तो इफ डिग्री ऑफ आर इज लेस देन डिग्री ऑफ एफ, देन हाँ जी, देन आप जरा देखें आर को, मैं ऊपर जो इक्वेशन लिखी है एच इक्वल टू क्यू एफ प्लस आर, वहां से मैं आर को लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू एच माइनस क्यू एफ, जी सर, लिख सकता हूँ। जी सर, अब जरा देखें एफ किसका एलिमेंट है,
आई का आई का, और क्यू किसका एलिमेंट है, ये है रिंग का, तो एफ क्यू जी किसका सर। एलिमेंट बनेगा। सर ये आई का वाई का एलिमेंट बनेगा, और एच किसका एलिमेंट है, आई का ये भी आई का एलिमेंट है। और जी सर। फर्स्ट प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या है, आइडियल की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आई के हर दो एलिमेंट का डिफरेंस उसी में होता आई है, का एलिमेंट बन गया इसका मतलब ये क्या, किसका एलिमेंट बन गया, आई का इसका मतलब आर जो है वो आई का एलिमेंट बन गया। जी सर। और इसका मतलब आई के अंदर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया जिसकी डिग्री एफ की डिग्री से छोटी है, तो जी सर ये तो कंट्राडिक्शन आ गई अगेंस्ट दी चॉइस ऑफ एफ, क्या नहीं। जी सर कंट्राडिक्शन दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन अगेंस्ट दी चॉइस ऑफ एफ, क्योंकि एफ हमने वो ऐसा चूज किया हुआ है जो कि स्मॉलेस्ट डिग्री का, इसका मतलब डिग्री ऑफ आर लेस देन डिग्री ऑफ एफ पॉसिबल नहीं है, जी क्योंकि सर अगर पॉसिबिलिटी आप अज्यूम करेंगे तो फिर कंट्राडिक्शन आएगी आपको हमेशा, ठीक है। जी सो सर ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट आर इज इक्वल टू जीरो, तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी होगी हमेशा, रिमाइंडर जो है इस केस में क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो हाँ जी ठीक है ये बात, अगर अगर जी रिमाइंडर सर टू आएगा तो आर को अगर ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें तो ये हमें क्या देगा, एट दिस दिस एच इक्वल टू इंप्लाइज क्यू है एच इज इक्वल टू क्यू क्यू एफ, एफ एच इज इक्वल टू क्यू एफ, और क्यू एफ किसका एलिमेंट बनेगा, क्यू एफ सर ये एफ जनरेटेड बाई सेट जनरेटेड बाई एफ ये सेट जनरेटेड बाय एफ का एलिमेंट बनेगा, क्योंकि सेट जनरेटेड बाय एफ के एलिमेंट बाय डेफिनेशन इसी टाइप के हैं कि जिसको एफ को जिसमें अगर एफ को हम रिंग के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेट जनरेटेड बाय एफ का एलिमेंट बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू एफ जो है वो आइडियल जनरेटेड बाय एफ का एलिमेंट है, और क्यू एफ एच के बराबर है, इसका मतलब एच भी जो है वो आइडियल जनरेटेड बाय एफ का एलिमेंट होगा, ठीक है। जी सर। दिस गिव्स एच इन द सेट जनरेटेड बाय एफ, और लेकिन एच था क्या, एच तो ऑर्बिटरी एलिमेंट था आई का, जी सर ठीक है, इसका मतलब आई का हर एलिमेंट जो है वो आइडियल जनरेटेड बाय एफ का भी एलिमेंट है, तो इससे क्या जी साबित सर हुआ, आई इज अ सबसेट ऑफ सेट जनरेटेड बाय एफ सबसेट ऑफ आइडियल जनरेटेड बाय एफ, तो दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गए, तो कंसिक्वेंटली हमें क्या मिला, I is equal to ideal generated by F. आई इज इक्वल टू द आइडियल जनरेटेड बाय एफ, और यही जी हमारा सर क्लेम था, ठीक जी है। सर तो हमने एक ऑर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया और हमने प्रूव कर दिया कि वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, क्या इसका मतलब हुआ, आई इज ए प्रिंसिपल आइडियल प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है, जी सर अगर आई प्रिंसिपल आइडियल है एंड हेंस इसका मतलब आई ऑर्बिट्रेरी था, इसका मतलब के ऑफ एक्स का हर आइडियल जो है वो प्रिंसिपल आइडियल है, जी तो सर हेंस के ऑफ एक्स क्या साबित हो गया, हेंस के ऑफ एक्स इज ए प्रिंसिपल प्रिंसिपल आइडियल डोमेन आइडियल, लेकिन ये हमारा सेकंड जो है प्रूफ हो गया रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट हुआ, देख लें कोई स्टेप अगर ना समझ आया तो आप मुझसे पूछ लें।
हाँ जी क्लियर है जी सर। कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर, इंशाल्लाह।